राजसमंद जिला मुख्यालय से सेंट रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। जब छात्रा कल्याण कोच की जमा राशि 50 लाख रुपए 41 जयपुर द्वारा स्वीकृत की गई, जबकि डीएमएफटी फंड के 40 लाख रुपए और कुछ अन्य रकम मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए की राशि भूगोल की प्रयोगशाला बनाने के लिए खर्च की जानी है। विद्यालय के नोडल प्रधानाचार्य डॉक्टर रचना तेलंग के प्रयासों से मिली इस उपलब्धि के बाद 30 साल से संचालित इस संस्थान में पढ़ने वाले भूगोल विषय के 450 छात्रों को मदद मिल पाएगी। संस्थान में बच्चों की संख्या को देखते हुए 2 प्रोफेसर की आवश्यकता है, लेकिन केवल एक ही पद स्वीकृत किया गया है, जिससे बच्चों को पढ़ाने के लिए कम समय मिल पाता है और बेंच बनाकर अध्ययन करवाना पड़ता है। संस्थान ने मांग की है कि महाविद्यालय में एक पद और दिया जाए ताकि संस्थानों की कमी पूरी हो सके, लेकिन प्रोफेसर के लगने से बच्चे और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस बड़ी उपलब्धि के लिए संस्थान के स्टाफ सचिव सहित बच्चों ने प्रधानाचार्य का आभार जताया है। तो आयोगालय द्वारा हमारे यहाँ जो छात्रमंद में राशि पड़ी हुई है, उसमें से 50 लाख रुपए की स्वीकृति भूगोल की प्रयोगशाला बनाने के लिए दे दी गई है और इससे लगभग 450 विद्यार्थी जो भूगोल विषय पढ़ते हैं उनको बड़ा लाभ होगा और बहुत ही जल्दी अत्याधुनिक सुविधा से पूर्ण ये यहाँ पे प्रयोगशाला बनाई जाएगी और हम विश्वास करते हैं कि इसी तरह से सरकार और आयोगालय हमारा सहयोग करते रहेंगे। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इसी वर्ष 40 लाख रुपए डीएमएफटी से कलेक्टर द्वारा खेल परिसर के लिए भी स्वीकार किए गए। तो ये 50 लाख और 40 लाख की राशि लगभग इतनी बड़ी राशि पहली बार इस जिले में और इस महाविद्यालय के लिए स्वीकृत हुई है। इसी के साथ साथ कुछ 9 लाख रुपए हमारे पुराने जो रोसा के कार्य है उससे भी बचे हुए थे, उनका भी कार्य चल रहा है। तो लगभग 1 करोड़ के हमारा ये कार्य हो रहा है। ये महाविद्यालय के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इसमें मेरा जो भी प्रयास है उसके लिए मैं सभी हमारे स्टाफ के लोगों को और विद्यार्थियों को बहुत बहुत